यार कितनी बार समझाऊंगा तुम्हें कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है. यू डिजर्व द बेस्ट गाय इन द वर्ल्ड. ठीक है, मुझे भी अजीब सा लगता है पृथ्वी के साथ शलिन और शलिन के साथ पृथ्वी, लेकिन शलिन भी कोई दूध की धुली नहीं. हमारे घर की किसी पार्टी में मिले होंगे दोनों, और दोनों के बीच में हो गया कुछ कुछ होता है. राइट हो सकता है ना? इट इज पॉसिबल. प्रीता को पृथ्वी से ज्यादा अच्छा और जिम्मेदार लड़का मिल ही नहीं सकता. आपको पता है प्रीता जी, हमारी शादी को लेकर मैं कितना एक्साइटेड था. इस रिश्ते में विश्वास की ही कमी है, तो फिर मैं करूं तो क्या करूं? चुप करो तुम. पृथ्वी जी गलत नहीं है, गलत तुम हो. मुझे उन पे पूरा भरोसा है, और शायद तुमसे भी ज्यादा. मुझसे भी ज्यादा भरोसा पृथ्वी पर. तो जाओ पृथ्वी के पास यार, बात नहीं करनी मुझे तुम्हारे साथ. समझती क्या अपने आप को यार ये लड़की? इस बेवकूफ लड़की के पीछे मैं सबसे लड़ता रहता हूँ यार. कितनी बार समझाया इसमें, कितनी बार कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं है. पागल हूं मैं जो इसे समझाता रहता हूँ, हर वक्त कदर करता हूँ इसकी. पागल हूं यार बिल्कुल सच में, जो इसकी इतनी फिक्र करता हूं. उस पृथ्वी को इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं, जब तक करण है. प्रीता का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं. या आई गॉट इट. इनफैक्ट मैं आपको वही बोलने वाला था दैट हम लोग. कैन आई कॉल यू बैक इन सम टाइम प्लीज? या ओके. ऋषभ जी, करण सर कहाँ है? वो आता ही होगा बेटा. ओके. अभी अभी जो हम सुन के आए ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जस्ट लाइक ब्रेकिंग न्यूज. क्या सुन के आयो? अब मैं बताती हूँ. नहीं, मैं बताता हूँ. एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है तो मैं बताऊँ. मैं वहाँ जंग थोड़ा लड़ा था, मैं बताता हूँ. ऋषभ जी, क्या हुआ ना, एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको. वो अपना सूखा हुआ बोमिल नहीं है, मोनिशा का जो बॉयफ्रेंड है ऋत्विक, वो हमारी जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है. उसने मोनिशा को कन्विंस कर लिया, उनके मास्टरमाइंड को टच करके वो हमारा साथ देंगे. यस. अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत अच्छी खबर लाए हो. आज सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, सब हमारे साथ है. इसका मतलब ये हुआ कि इस घर का जो असली दुश्मन है वो अकेला पड़ गया होगा, और बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा. चाची, वो जो भी है ना, ऋत्विक उसे क्या बुला रहा था? कंगाल. कंगाल बुला रहा था. करेक्ट. वो जो कंगाल है ना, वही इस पूरी सिचुएशन का मास्टरमाइंड. वही. करेक्ट ऋषभिया. आई मीन सोचने वाली बात है, जो भी मास्टरमाइंड है उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत और पता चल गया है, यू नो. नो, यू कांट अंडरएस्टिमेट योर एनिमी. उसको एग्जैक्टली पल-पल मालूम है कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. एक बार सृष्टि, एक बार मॉम, मुझे उसके बारे में पता चल जाए ना, कसम से आई स्वेयर आई एम गोना. तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम कहाँ मेरे आगे पीछे? वॉशरूम यूज करना था. आई एम रियली सॉरी. आप बैठ, इधर इधर. ज्यादा लग गई क्या? लगी नहीं, ज्यादा लगी. बैठो बैठो बैठो, आराम से. मुझे भी अजीब सा लगता है पृथ्वी के साथ शलिन और शलिन के साथ पृथ्वी, लेकिन शलिन भी कोई दूध की धुली नहीं. हमारे घर की किसी पार्टी में मिले होंगे दोनों, और दोनों के बीच में हो गया कुछ कुछ होता है. नहीं, जब तक मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, जब तक पक्का विश्वास नहीं हो जाता कि पृथ्वी जी और शलिन के बीच में कुछ, तब तक मैं करण को कुछ नहीं बताऊंगी. कि मेरे दिल में पृथ्वी जी को लेकर शक है, वो तो मुझे सर्टिफिकेट ही दे देगा कि पृथ्वी जी ऐसे ही है. पर मैं अपना शक जरूर दूर करूंगी. इस बारे में पता जरूर लगाऊंगी कि मैंने जो देखा वो शक ही है या सच में इन दोनों के बीच. पृथ्वी बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी. ऋषभ ने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया. दरअसल बात ये है कि आज ऋषभ बहुत ज्यादा गुस्से में है. ये उस मास्टरमाइंड के बारे में बात कर रहा था जो ऋत्विक का पार्टनर है, जो इस घर का दुश्मन है. तो यूँ समझ लो कि ऋषभ ने तुमको नहीं मारा, उस मास्टरमाइंड को मारा बेटा. वही मास्टर.
ये सब मिलके ढूंढ रहे हैं। Mom, what are you talking about? Mastermind नहीं। Mastercard, तुम कहाँ उड़ गए? तुम बड़े 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 लग जाएगी, चोट लगी है तुमको। मास्टर क्लास मीन्स द कुकिंग क्लास। ऋषभ जी का कहने का मतलब ये है कि ऋत्विक के रिजॉर्ट में स्पेशल कुकिंग क्लास। हाँ, वो सृष्टि को खाना बनाना नहीं आता ना, तो सीखना चाहती रिजॉर्ट के लिए। एक्चुअली बेटा, बात ये है कि ऋत्विक ने जो रिसोर्ट खोल रहा है उसकी किचन की जिम्मेदारी सृष्टि ने ली है। अब खाना तो लड़कियां ही बनाती है, लड़के तो बनाते नहीं है, इसलिए सृष्टि सीख रही है। खरे, ये सीखना चाहती है, she wants to learn, हाँ? एक मिनट में बता। बताओ, सृष्टि उधर घर का बड़ा कौन है? आप राखे आंटी। तो फिर मैं बोलती। पृथ्वी बेटा, ध्यान से सुना, बात ये है कि ऋत्विक और ऋषभ दोनों एक साथ रिसोर्ट खोल रहे हैं और रिसोर्ट की किचन की जिम्मेदारी सृष्टि ने ली है, तो सृष्टि को कुकिंग सीखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए सृष्टि क्लासेस ज्वाइन करेगी कुकिंग सीखने के लिए, क्योंकि सृष्टि समिति होने वाली मेरी है। उन्हें लगता आप जरूरत से ज्यादा भूल रहे हैं। लेकिन उत्तर के चेहरे से लग नहीं रहा कि उनको गुस्सा आ रहा है। देख, दोनों स्माइली दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि गलती में मैंने जो कुछ भी बोल दिया वो उनके दिल की बात। कर लो जितनी मर्जी चाहे कर लो खुसूर पुसूर, मुझे पता है कि तुम लोग ऋत्विक के थ्रू उसके मास्टरमाइंड यानी कि पृथ्वी मल्होत्रा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, पर मेरी बेबी ने सही कहा कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मुझे पता है कि तुम लोग मेरे बहुत क्लोज आ गए हो, ऐसा तुम लोगों को लगता है, क्योंकि मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। उनकी जोड़ी बाद में बना लोगे? मैं पहले पृथ्वी और ऋत्विक का सॉर्ट आउट कर लूं। थैंक यू। उनको ज्यादा लग गई तो कुछ बार बार ऋषभ जी नहीं। हेलो ऋषभ जी, मैं ये बोल रहा था कि डील तो आपने आज अनाउंस कर ही दी थी हमारी, तो मैं ये बोल रहा था कि जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ये कब साइन करना है? आप बोल रहे थे कि आज ही कर लेंगे, तो हाँ, तो अगर बोला तो आज ही साइन करेंगे। मैं जो बोलता हूँ वो ही करता हूँ। इनफैक्ट द पेपर्स आर रेडी, बाहर स्टडी में पढ़े। यू वांट टू सी इट बिफोर यू साइन? या श्योर। डैम इट, ये लोग सच में पार्टनर्स बन रहे हैं। Yeah, okay. Let's go, Mom. गाना खत्म हो गया। हाँ वो। मुझे तुझसे बात करनी है अभी के अभी, right now. हाँ छोड़। जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी नहीं छोड़ूंगा। गॉड मनीषा, तुम यही मिल गई। मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ऋत्विक अपनी साइड बदल लेगा और लूथरास की तरफ चला जाएगा और हम सबको इसे स्टैप करेगा। और तो और, लिसन, मैं ऋत्विक के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। तो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। निशा, मनीषा, तुम भी एक सेकंड में अपनी साइड बदल ली। पृथ्वी को पता हो ना हो, तुम्हें तो पता है कि जब भी तुम लूथरा मेंशन में फंस जाती थी तो मुझे और पृथ्वी को ही कॉल करती थी और हम हमेशा तुम्हें बचाने के लिए आते थे, तुम्हें सेव करते थे लूथरा से। तो तुम्हें लूथरास पर नहीं, हम पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास की बात तो तुम करना ही मत, समझी? और मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। वो बात अलग है कि जब भी मुझे इस लूथरा मेंशन में किसी की जरूरत पड़ी है ना, तो मैंने तुम दोनों को कॉल किया, क्योंकि तुम लोग इनके खिलाफ थे। इनफैक्ट हम तीनों इनके खिलाफ थे, राइट?
लेकिन जान अभी टाइम बदल गया, अभी ऋत्विक इनका बिजनेस पार्टनर है, तो जिसके खिलाफ ऋत्विक होगा ना उसके खिलाफ मैं होंगी। फिर बेशक मुझे तुम दोनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगी। ये मत भूलो मोनिशा, तुम्हारी तो औकात भी नहीं थी लूथराज के साथ खड़े होने की। आज जो तुम यहाँ पर हो ना, वो मेरे और पृथ्वी की वजह से। हमारी गलती हो गई कि हमने तुम जैसे लोगों पर विश्वास कर दिया और तुमने एक सेकंड भी नहीं लगाया हमें धोखा देने के लिए। औकात की बात तो करना ही मत, क्योंकि तुम्हारा पृथ्वी हमारी औकात अच्छे से जानता है। और धोखे की बात करी हो, धोखा हमने नहीं तुम लोगों ने दिया। क्या कहा था कि जो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं उसके बदले में सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, पर दिए क्या, सिर्फ बातें। इनफैक्ट मैंने तो पृथ्वी से ये कहा था कि तुम ब्लैंक चेक हमें दे दो, लेकिन उसने वो भी नहीं दिया। और इन लूथराज को देखो, बिना कुछ इन्वेस्ट किए 50% की डील हमें दे दी। इनफैक्ट आज तो डील साइन भी हो रही है, तुम भी आ जाना। वन मोर थिंग, एक फ्री की सलाह दे रही हूँ, रख ली। ये जो तुम्हारा पुन्नू बेबी है ना लफंडर, इसकी बातों में मत आओ। ऋषभ जी से शादी कर लो, कि पुन्नू बेबी ना आस्तीन का सांप है, कभी भी डस लेगा। समझदार हो, इतना तो समझ लो। ये ऋत्विक कहाँ गया? राखी आंटी कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बैकआउट कर दिया? कहीं दिख नहीं रहा है यार। पता नहीं, वो कॉरिडोर में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। यही होगा। पुत्र, क्या तू सच में उसके साथ डील साइन करने वाला है? मुझे बहुत, हाँ मैं समझ गई, ये पेपर्स नकली है ना, उसका मतलब ये डील भी नकली है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, पेपर्स तो नकली है, फिर चिंता किस बात की? मॉम, ये पेपर्स भी असली और ये डील भी असली। अगर मैं नकली पेपर बनाऊंगा तो उसको शक हो जाएगा कि हम लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, सो आई हैव टू मेक द राइट पेपर्स। लेकिन बेटा, अगर ये पेपर्स साइन हो गए, आ गया। हेलो ऋत्विक, फोन ऑन हो गया? पेपर्स पढ़ लो। क्या चल क्या रहा होगा इसके दिमाग में? मेरा नसीब चल रहा है, ये डील नहीं, मेरा लक है। देर सही सही, लेकिन कहीं से तो शुरू हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, पार्टी बनाने के लिए। अरे अरे यार, तू इतना थैंक यू बोलेगा तो कैसे चलेगा? देख तेरा फोन बज रहा है। फोन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? ऐसे भी मेरे भाई का फोन आ रहा है, छोड़िए इस फोन को। बेटा, भाई से बढ़ के क्या है, बात कर लो। सही बोल रही है आंटी, मैं इतना एक्साइटेड हो गया ना कि ब्लैंक हो गया। आई जस्ट टेक द कॉल, आई कम बैक। एक्सक्यूज मी। हेलो ऋषभ, पुत्र अगर ये पेपर्स असली है, उसका ये मतलब हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी असली है, और एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो ऋत्विक तुम्हारा असली का पार्टनर हो जाएगा। तो क्या हम सच में उसे 60 करोड़ रुपए के शेयर दे देंगे? नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा। प्रीता जी को मालूम था कि ऋत्विक आज ही के दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जिद करेगा, इसलिए उसकी तसल्ली के लिए सबके सामने अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसे लगेगा कि उसे पार्टनर बनाने का हमारा इरादा नकली नहीं असली। ये ऋत्विक तो दिमाग का बहुत ही तेज निकला। तो हम भी तो सवा तेज है, हम भी सवा तेज। हम ऋत्विक से कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर कराएंगे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के कोई मायने नहीं होंगे, और जब तक ये बात सबके सामने आएगी, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से बनेगा, कुछ दिन तो निकल जाएंगे। मतलब हो ना हो, ऋत्विक को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कुछ दिन का वेट करना ही पड़ेगा। एक मिनट दिया, आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे को समझ में नहीं आ रहा है। ऋत्विक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के कोई मायने नहीं होंगे, इसका क्या मतलब होता है? रिलैक्स, प्रीता जी के दिमाग में कोई प्लान है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जब प्लान। वेरी गुड जी, वेरी गुड, प्रीता के दिमाग में प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, वेरी गुड। नहीं नहीं राखी आंटी, अभी तक तो मैंने प्लान सोचा, मेरा मतलब आपने सुना ही नहीं। प्लान सुनने की जरूरत क्या है, तुम्हारा प्लान है 100% अच्छा ही होगा,
जरा पेपर्स देखूं तो? हाँ। प्लान तो मेरा है इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी तरह साइन होने से रोकने का, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा करूंगी कैसे। क्या हुआ प्रीता जी, कुछ हुआ क्या? आप इतनी टेंशन में लग रही। राखी आंटी मुझ पर इतना विश्वास करती हैं, अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो। आप अकेली नहीं, मैं आपके साथ हमेशा। खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ मैं आप पर, और मैं जानता हूँ कि आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आप जो भी करेंगे ना वो सही ही होगा, और मुझे ये भी मालूम है कि आपने जो सोचा है वो आप जरूर करके दिखाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी तक आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैंने क्या सोचा। मैंने जरूरत ही नहीं समझी। अगर आपको लगता है कि बताना सही है तो बता दीजिए, वरना जो आपने सोचा है वो सब कर लीजिए। लेकिन ऋषभ जी, अगर मेरे प्लान की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में आ गए तो? कुछ नहीं होगा मुझे प्रीता जी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा। आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके प्रीता जी, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हैं? I'm sorry, वो टाइम क्या हुआ? Sorry? जी 9:21. प्रीता जी, आप नहीं जानती कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। Is everything okay? Yes, मेरे पास वॉच नहीं था तो मैं। That's all right. मैं अभी आती हूँ। What were you doing? क्यों उनको ऐसे घूर कर देख रहा था? Oh my God, यार, ये बहुत difficult है यार। अरे हाँ बड़ी, अच्छा एक बात बता, तुझे सेल्फी भेजी थी, देखी तूने? मेरी सेल्फी यार विद द फेमस क्रिकेटर करण लूथरा। आई नो बड़ी, लाइक आई नो हिम पर्सनली नाउ। I know him very well. हाँ मतलब तो समझ लिया। What the hell? What nonsense पृथ्वी? तेरी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ तक खींच के लाने की? शुक्र मना, सिर्फ खींच कर लाया, ऊपर नहीं पहुंचाया। और तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा हत्या करने की मेरी? हाँ तुझे पता था, पता था कि ऋषभ, उसकी माँ, समीर, सृष्टि कमरे के बाहर है, इसलिए मैं खींच के दो थप्पड़ नहीं लगाऊंगा तुझे। इसी बात का फायदा उठाया तूने? हाँ उठाया तो, और दो सेकंड और हाथ पकड़ के रखता ना तू, तेरे दो पंचेज आते मुंह पे। स्वीट ड्रीम्स ओनली इन योर ड्रीम्स बॉय, ऐसे ऐसे मत कर, अभी लगाऊंगा ना सूट जाएगा तेरा गाल। तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ कि तू मुझे धोखा दे रहा। जो भी पृथ्वी मल्होत्रा को धोखा देता ना, उसे छोड़ता नहीं है। तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तू मैंने बोल तो दिया कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मैं हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि ऋषभ जी ऋत्विक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो भी ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए पर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स में कोई प्रॉब्लम दिख ले और किसी को कोई शक भी ना हो। ओ ग्रेट, ये सही रहेगा। जब सारे के सारे
कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हॉल में इकट्ठा होंगे और महेश अंकल ऋषभ जी को अपना स्पेशल पेन दें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ऋषभ बेटा, ये तुम्हारे दादाजी का पेन स्पेशल। आज के जमाने में ऐसे पेन मिलते कहां? उस वक्त मैं ऋत्विक के पीछे जाकर खड़ी हो जाऊं और जब ऋषभ जी के साइन करने के बाद ऋत्विक साइन कर रहा होगा तब मैं मिर्गी का दौरा आने की एक्टिंग करूं और सामने की तरफ गिर जाऊं। ओ क्या क्या हुआ क्या हुआ? पीता 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 वाह ब्रिलियंट आइडिया। ये सही रहे, मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ही स्पॉइल कर दूंगी। सो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो, पर उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। हाउ इंटेलिजेंट यू आर पीता।